डियर स्टूडेंट वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एम प्रसाद। चलिए आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, कंगुरेंट ट्रायंगल्स। सो यदि इस वीडियो को आपको अच्छी तरह से समझने का है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक कंगुरेंट ट्रायंगल। कंगुरेंट ट्रायंगल स्टार्ट करने के पहले सिमिलर फिगर्स एंड कंगुरेंट फिगर के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज अ सिमिलर फिगर? सिमिलर फिगर दोज फिगर विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। वेयर एज कंगुरेंट फिगर्स का बात करेंगे तो सेम शेप रहेगा एंड सेम साइज बाय डायमेंशन वाइज, दैट इज नोन एज द कंगुरेंट फिगर्स। लाइक एग्जांपल ले लिए, यदि हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों पाम की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, कंगुरेंट फिगर हो गया। यानी इसको यदि हम लोग सुप्रीम पोज करेंगे तो ये हमारा दोनों क्या देखिए, एकदम डिट्टो सेम। सो दैट इज अ कंगुरेंस फिगर। वेयर एज सिमिलर की बात करेंगे, यदि हम इस पाम को फोटोकॉपी करें लेट से 1:2, 1:3 रेशियो में, और यदि दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर। दूसरी तरह से समझ सकते हैं कंगुरेंस क्या है, उसका 1:1 रेशियो यू कैन से दैट इज अ केस ऑफ द कंगुरेंस। ओके, सो लेट्स मोर डिटेल जस्ट अंडरस्टूड फर्स्ट सिमिलर फिगर्स एंड कंगुरेंस फिगर्स। सो सिमिलर ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग पहले देख लेते हैं मोर इन डिटेल सिमिलर फिगर्स एंड कंगुरेंट फिगर्स में क्या डिफरेंट है। तो एज वी डिस्कस अर्लियर, ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर सिमिलर फिगर्स। और इसको हम लोग कैसे सिमिलर, दो इको सिमिलर कैसे डिनोट करते हैं, बाय दिस सिंबल एंड दिस इज ए रीड इज सिमिलर टू। ओके, लाइक इधर में देखिए, ए सर्कल दोनों सेम शेप है बट साइज सेम नहीं, तो ये हमारा सिमिलर हो गया। सो बोथ ट्राइंगल ऑल्सो हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, सो दीज आर द सिमिलर फिगर्स। वेयर आर कॉन्गुरेंट फिगर्स, जिसमें सेम शेप सेम साइज, मतलब यदि हम लोग एक दूसरे पे यदि इसको रखेंगे तो सुप्रीम पोज हो जाएगा, एकदम आइडेंटिकल दिखेगा, दैट इज नोन एज आवर कंगुरेंट फिगर्स। इसका हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इक्वल एंड ऊपर में सिमिलर का नोटिस करने का मतलब हुआ कि ये स्पेशल केस ऑफ द सिमिलर फिगर्स बोल सकते हैं इसको, जिसमें कि दोनों का शेप एंड साइज दोनों सेम हो जाएगा। लाइक ट्राइंगल देखिये, दोनों ट्राइंगल सेम है सो दैट इज अ कंगुरेंट। ओके, बहुत सारा है, लाइक अ कोन इफ द सेम डायमेंशन एंड शेप होगा तो वो भी हमारा कंगुरेंट, रूट टू कोन्स हो जाएगा। ओके, चलिए इसको हम लोग अभी ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द कंगुरेंट ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंगुरेंट ट्राइंगल्स। कंगुरेंट ट्राइंगल्स किसको बोलते हैं, इफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन बोथ ट्राइंगल्स आर कंगुरेंट। लेट्स सी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंगुरेंट ट्राइंगल एंड कंगुरेंट करस्पॉन्डिंग साइड। ट्राइंगल्स ओके डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंगुरेंट ट्राइंगल का क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कंगुरेंट कब होगा, इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। चलिए इसको हम लोग सिंपल वे में समझते हैं क्या मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल का। तो लेट्स सी, आई एम टेकिंग वन ट्राइंगल, सो वन ट्राइंगल ओके एंड साइड लेट्स सी अप्रोक्स, लेट्स सी दिस 3 सेंटीमीटर, दिस 4 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 5 सेंटीमीटर। ओके, आई एम ड्राइंग द अनदर ट्राइंगल, लेट्स सी आई एम ड्राइंग बाय दिस कलर। ओके, एंड सेम आई एम टेकिंग 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर
and 5 centimeter. Okay, and let's see, this triangle is A V C and A D E F. Okay, so what is mean the corresponding sides and corresponding angle? So सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइड्स का क्या मतलब. 3 सेंटीमीटर हियर, सो ये हमारा ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, डी. डी बिकॉज द सेम लेंथ का है, सो ये हमारा हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट में हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर, सो इसको हम लोग लेट सी द डबल मार्क, डबल एरो से करते हैं, तो ये हमारा ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग. थर्ड वन आता है बी सी, लेट सी दिस थर्ड वन. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल. तो इसको कैसे हम लोग पता नहीं, बहुत ही आसान तरीका है वो समझिए. सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग जाएंगे, लेट सी साइड आई एम टेकिंग अबाउट द ए बी, सो इसके अपोजिट एंगल जो होगा ये एंगल दूसरा ट्रायंगल का सेम साइड का अपोजिट एंगल, सो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा. नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे 4 सेंटीमीटर, इसमें हम लोग इसका एंगल अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल बी हो जाएगा. इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा. ओके, थर्ड वन 5 सेंटीमीटर का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है, सो 3. एंड इसका कौन सा है, दैट इज अ. ओके, सो नाउ अभी हम लोग ये लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है. करस्पॉन्डिंग मतलब यदि इफ आई एम राइटिंग द बोर्ड ट्राइंगल ए बी सी, सो ए बी इक्वल टू डी ई. ओके, नेक्स्ट ए सी इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इक्वल टू आवर ई एफ. ओके, एंड एंगल एंगल ना यू कैन राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ. इस बेसिस से हम लोग ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ये सीक्वेंस बहुत समझने की जरूरत है. एंगल ट्रायंगल ए बी सी और जो हम लोग कंग्रुएंट का जो साइन सीखे थे ये डालेंगे. एंड सेम नाउ ए बी सी है तो इसका हम लोग डिटो कौन सा हमारे से होगा, देखिए डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ. ये सेम हम लोग सिंपल वे में इसको समझिए, जो एंगल इधर में देखिए 3 जो है वो 3, उसके हम लोग ये लिखा ए, इधर में डी, इधर में ये 2 2, तो इसमें क्या हो गया बी, इधर में आ गया ई एंड इसमें देखिए 1 1, इसमें सी एंड एफ. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द करस्पॉन्डिंग, मतलब ये इसका करस्पॉन्डिंग है. एंगल में देखेंगे ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये समझना बहुत जरूरी है. लेट सी द सेम, आई थिंक होपफुली यू अंडरस्टूड दिस वन. लेट सी हम इस फिगर को हम लोग थोड़ा इन्वर्ट करते हैं एंड देन यू ट्राई टू विजुलाइज सेम. ओके, नाउ जस्ट आई एम इन्वर्टिंग, इसको ऐसा बनाइए, ओके. नाउ लेट्स सी, दिस इज आवर 3 सेंटीमीटर और ये हमारा लेट्स सी 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है. अभी हमको इसमें पहचानने का है कौन सा इससे हमारा दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, सिंस ये साइड्स का जो लेंथ इक्वल हो गया, लेकिन हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानने का है. सो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो गया, देखिए हम लोग पहले साइन लेते हैं, इसके साइन के बराबर लिखते हैं 1, इसमें दे दिए, इसमें कितना है 2 दे दिए, इसमें कितना 3 दिया. ओके, सेम नाउ 3 सेंटीमीटर जो है साइड उसके अपोजिट एंगल सी है, तो सेम इधर में ले लेंगे 1, इसके अपोजिट में ये, सो 2, इसमें अपोजिट में 3. ओके, एंड ने लेट सी नाम हमने लिखा पी क्यू आर. सो अभी हम लोग सिमिलर ट्राइंगल इसमें देखेंगे तो क्या होगा, देखिए ट्रायंगल ए वी सी
सिमिलर, इसमें सीक्वेंस वैल्यू है कौन सा हम लोग लिखेंगे? सबसे पहले सेम वे में ये देखिए, पहले हमने ए लिखा है, सो इसमें कौन सा हो जाएगा? आर पहला, बिकॉज ये तीन ए एंगल से हो गया, तो आर। नेक्स्ट में क्या है? क्यू, बी है इसमें दो, मीन्स सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सो क्यू आर क्यू पी। ओके, ये हमको समझना जरूरी है। यदि कोई भी ऐसा यदि लिख देता है, सपोज कीजिए ट्रायंगल लिखता है ए बी सी, एंड ये हम यदि हम लिख दे क्यू आर पी क्यू आर पी, तो ये हमारा क्या है? गलत है, बिकॉज इसमें हम लोग ए का करस्पॉन्डिंग क्यू, ये समझने का करस्पॉन्डिंग मतलब कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्यू नहीं है। देखिए एंगल ए का करस्पॉन्डिंग कौन है? आर है। बी का करस्पॉन्डिंग, बी का करस्पॉन्डिंग देखिए कौन सा है? क्यू है, जबकि यहाँ पे आर लिखे, सो ये गलत है। एंड नाउ यू कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो, सेम वे यू कैन राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस मीनिंग ऑफ द कन्वर्जेंट ट्रायंगल और कैसे हम लोग इसको राइट डाउन करते हैं। अभी नेक्स्ट आता है, क्या हमारा छह कंडीशन मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तभी कन्वर्जेंट होगा? नहीं, कम कंडीशन पता रहेगा तो भी हम लोग कन्वर्जेंट ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। सो नॉर्मली थ्री पेयर ऑफ द, यदि हमारा करस्पॉन्डिंग डिफरेंट ट्रायंगल से यदि मैच करता है तो कन्वर्जेंट होगा। एंड वो डिफरेंट कंडीशन क्या है? लाइक हमारा ए से एस है, ए से एस है, देन ए ए ए एस ए है। सो लेट सी, विल डिस्कस इन डिटेल दीज कंडीशन। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन देखिए, साइड एंगल साइड, दैट शॉर्ट फॉर्म एस ए एस। सो दो ट्रायंगल कन्वर्जेंट कब होगा? जब टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। चलिए लेट्स सी, समझते हैं इसको हम लोग। सो आई एम जस्ट टेकिंग व्हाट इज मीनिंग इंक्लूडेड एंगल हियर। सो लेट्स सी, वन ट्रायंगल ये है एंड ओके, लेट्स सी ट्रायंगल ए वी सी, ओके, एंड लेट्स सी दिस वन इज 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ओके, एंड लेट्स सी दिस एंगल इज 55 डिग्री। सो इसमें इसका मतलब हो गया, दिस एंगल इज नोन एज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड ए बी एंड साइड बी सी। ओके, एंड लेट्स सी, आई एम ड्रॉइंग द अनदर ट्रायंगल हियर, ओके, एंड हियर आई एम टेकिंग दिस वन इज अ 4 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज अ 8 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस वन इज अ इंक्लूडेड एंगल 55 डिग्री। ओके, नाउ यदि हम लोग इसको प्रूफ मेनली 9th क्लास में थ्योरम में पढ़ने का है, अभी हम लोग सिर्फ इतना ही समझिए कि यदि ये दोनों ट्रायंगल को इसको हम लोग ऐसे पेपर पे बना के यदि कट करके इसमें यदि हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे तो एकदम कवर हो जाएगा। सो बोथ ट्रायंगल्स आर द, यू कैन से द कॉन्गुरेंट। ओके, एंड हियर हाउ विल आइडेंटिफाई? सो इसमें इंक्लूडेड एंगल के लिए लेट्स सी हमने नाम लिया पी क्यू आर। सो इसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? देखिए साइड आर पी एंड पी क्यू, पी क्यू के बीच में इंक्लूडेड एंगल 5 डिग्री हो गया, 55 डिग्री। ओके, सो इधर में अभी कंगुरेंसी का हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रायंगल, इसमें देखिए ट्रायंगल सेम सिंगल फॉलो करेंगे ए बी सी, सो एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी साइन देंगे, और इसमें कौन सा कंगुरेंट होगा? आर पी क्यू, आर पी क्यू। ओके, अभी इस बेसिस से हम लोग ये जो दिया हुआ इसमें हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या है? आर पी,
एंड बी सी इक्वल टू पी क्यू, आपको थर्ड साइड कौन सा हो जाएगा, ए सी इक्वल टू आर क्यू। एंड इस बेसिस पे यदि हम लोग को एंगल का, यदि हम करस्पॉन्डिंग एंगल को आइडेंटिफाई करने का है, बहुत ही आसान है। मे बी एंगल ए ए, यू कैन से एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आर। अदर वे यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजिली। इसमें हम लोग साइन दे देंगे साइड का, देखिए साइड एक एक, लेट सी टू, अदर वन थर्ड वन, ओके सेम इधर में जाइए वन टू एंड थर्ड, एंड देन इसके अपोजिट वाला में दीजिए वन, इसके टू, इसको थर्ड, ओके सेम वे हियर वन, ओके एंड देन टू एंड देन थर्ड। सो दैट वे यू कैन राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल वेरी इजिली। सो एंगल इधर में एनी वन, एंगल ए इक्वल टू एंगल हम लोग कौन सा बोलेंगे आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। ये इधर से भी लिख सकते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। सो एनी वे यू मस्ट बी अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई द आवर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड, विल डू इन द प्रॉब्लम। लेट्स सी, विल गो नेक्स्ट वन, ए एस ए। सो दैट इज अ नेक्स्ट कंडीशन फॉर साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ओके डियर स्टूडेंट, यदि ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई करता है तो भी टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट होगा। कंडीशन क्या है देखिए, एंगल साइड एंगल, इसमें क्या बोलता है, इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। सो लेट्स सी, एक हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल है वन ओके। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंक्लूडेड, लेट्स सी दिस आवर 60 डिग्री एंड लेट्स सी दिस इज अवर 50 डिग्री, ओके। सो ये हो गया हमारा इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, मतलब ये दोनों का इंक्लूडेड साइड हो गया। सो लेट्स सी ए बी सी ट्रायंगल लिए तो एंगल बी एंड एंगल सी का इंक्लूडेड साइड हो गया बी सी। लेट सी हम लोग एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ऐसे, लेट सी इन्वर्टेड वे में, ओके एंड हियर लेट सी आई एम टेकिंग दिस वन इज अ 60 डिग्री एंड दिस वन इज अ 50 डिग्री, ओके एंड हियर सो इसमें इंक्लूडेड लेट्स इन नेम पी क्यू आर। सो 60 डिग्री एंड 50 डिग्री का इंक्लूडेड साइड कौन सा हो जाएगा आपका क्यू आर। सो बोलता है यदि इक्वल हो गया, मींस इक्वल का मतलब हो गया ये साइड और ये साइड, कहने का मतलब बी सी इक्वल टू क्यू आर है एंड एंगल बी इक्वल टू इधर में एंगल क्यू है, दैट इज गिवन 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है 50 डिग्री है। सो ये हमारा दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा कंग्रुएंट। अभी प्रूफ अगेन हमसे ये थ्योरम में पढ़ने का है, इसको आपको करस्पॉन्डिंग से यदि मैच कट करके यदि पेज पे बनाते हैं और इसको मैच करेंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल होगा, मतलब कवर हो जाएगा, मैंने बी क्यू का कॉइंसाइड करेगा, सी आर का कॉइंसाइड करेगा, ए पी को कंसिडर करेगा। सो हम लोग इस बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं इधर में ट्रायंगल ए वी सी कंग्रुएंस होगा। इसमें ध्यान देने का है ए के बाद बी लिए हैं तो यहां से आएंगे पी क्यू आर, सो दिस पी क्यू आर, ओके। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टूड दिस वन। एंड यदि हमको इसको साइड्स का यदि नोटेशन देने का है, जो हम लोग की साइड कौन से, तो बहुत ही आसान है। इसमें देखिए 60-50 मतलब ये थर्ड एंगल बराबर होगा 110 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो जाएगा,
ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। यदि हम लोग बराबर का निशान देगा, इसके अपोजिट का ये हो गया, 60 का अपोजिट का लेट से हमने डबल मार्क किया तो यहाँ का हम लोग डबल मार्क कर देगा। फिर देखिए 50 का हम लोग ट्रिपल मार्क किया, सो इधर में 50 का, सो दिस वे यू कैन अंडरस्टूड वेरी इजिली। माई ट्राई टू से हियर कि यदि आपको ऐसा कंडीशन दिया हुआ है और बाकी कंडीशन आपको पता करने का है कि कौन करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा, तो दिस वे यू कैन गो वेरी इजिली। मतलब एंगल हम लोग पहले नोटेट कर देंगे, इसके अपोजिट साइड लिख लेंगे, ये 3 हो गया 3, देन इधर में हो गया हमारा 60 का 2, इधर में 70 का 1, दैट वे यू कैन गो। दिस वे ऑल्सो यू कैन गो साइड ए, यहाँ पे यदि हम लोग कोई ऐसा भी लिखता है कभी कभी ए बी है, सो सेम सीक्वेंस ए बी इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हैं, एंड देन बी सी इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं, सेम सीक्वेंस होना चाहिए। एंड ये सी ए सी ए सी ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर पी। ये समझना बहुत जरूरी है, इतना समझ में आ गया आपको कन्वर्जेंस का कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्लस इसमें थ्योरम में बहुत ही यूज है। सो लेट्स नेक्स्ट विल गो एस एस एस। सो साइड 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 यदि बराबर रहेगा तो कन्वर्जेंसी का देखते हैं, अदर ट्रायंगल ओके, यदि एक कंडीशन में होगा तो आपका कन्वर्जेंट होगा, क्या है साइड साइड साइड, मतलब टू ट्रायंगल्स आर कन्वर्जेंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ द वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, चलिए हम लोग इसको फिगर से समझते हैं, ट्रायंगल का फिगर। लेट्स सी, आई एम टेकिंग वन ट्रायंगल एस एड, ओके लेट्स सी ए वी सी, ओके एंड लेट्स सी आई एम टेकिंग दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये लेट्स सी 7 सेंटीमीटर एंड ये 8 सेंटीमीटर, ओके अदर ट्रायंगल आई एम टेकिंग सेम वे, लेट्स सी 5 ऐसे बनाते हैं 5, ओके एंड देन दिस लेट्स सी दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये लेट्स सी 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर, ओके इसमें देखिए हमने लेट्स सी पी क्यू आर, एंड यदि ये तीनों साइड इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू आर पी, देन ए सी इक्वल टू आर क्यू, एंड दूसरा टाइम देखिए बी सी इक्वल टू पी क्यू। यदि ऐसा कंडीशन रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल इसमें ए वी सी, इसमें सिर्फ ध्यान देने का कैसे जाएंगे हमको, ए बी सी इसमें हम लोग देखिए ए बी की तरफ बढ़ेंगे, यानी यदि हम लोग आर का देखिए तो हमको आर पी क्यू, हम लोग ऐसा नहीं जा सकते आर क्यू पी नहीं लिख सकते, अगर ऐसा लिखने का तो इधर में लिखना पड़ेगा हम लोग सीक्वेंस ए सी वी, सो आर पी क्यू, सो इधर में हम लिखेंगे आर पी क्यू। ये सीक्वेंस लिखना समझना बहुत जरूरी है, करस्पॉन्डिंग जो है हमको दूसरी तरह से एंगल के टर्म में भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखिए इसको करस्पॉन्डिंग, इसके सामने का एंगल का देखिए ये है, इसके सामने का एंगल ये हो गया डबल, के सामने का एंगल ट्रिपल से लेते हैं। सेम वे में देखिए इसको 5 का है, यदि हमने ये लिया है 7 के सामने का डबल है, 7 का ये डबल हो गया आपका एंड ये थर्ड वन हो गया, सो दैट वे आल्सो यू कैन आइडेंटिफाई। ये आइडेंटिफाई एफिकेशन बहुत समझना बहुत जरूरी है। सो एंगल में यदि हमने लिखे तो यहां से भी लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, सो ऑल 6 एलिमेंट यू कैन से आर इक्वल। तो होपफुली आई थिंक यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन आता है आर एच एस, दैट इज फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल कंगुरेंट चलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो भी हमारा टू ट्रायंगल्स आर कंगुरेंट होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है यदि हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड्स,
इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड द वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स देन बोथ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट. सो इसको समझने के लेट्स सी वी ड्रॉ टू फिगर. एक राइट एंगल ट्रायंगल है दिस वन ए वी सी. लेट्स सी दिस इज 13 सेंटीमीटर और ये हमारा ऐसे 5 सेंटीमीटर. ओके एंड एक इसी का कंग्रुएंस के लिए लेट्स सी इन्वर्टेड वे में आई एम ड्राइंग. लेट्स सी पी क्यू आर एंड लेट्स सी दिस वन ये 3 सेंटीमीटर एंड ये 13 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारा राइट एंगल है. सो हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा पी पी आर. तो यदि राइट एंगल ट्रायंगल में यानी बी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री है प्लस इसमें एसी हाइपोटेन्यूज है दैट इज इक्वल टू पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर लिया गया है एंड बी सी इक्वल टू पी क्यू है 5 सेंटीमीटर है. तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंस बोलेंगे. और इसमें देखिए कैसे लिखने का है, लेट्स सी ए वी सी इसका लिया है तो इसमें हम लोग को सीक्वेंस इसमें देखिए हमको कैसे फॉलो करने का. यदि हमने ए वी सी दिस वन सॉरी दिस इज अ 5 सेंटीमीटर ओके. सो इसमें यदि हम लोग स्टार्ट किया है ए वी सी तो इसमें हम लोग कहां से, ये देखिए यहां पे 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है. सो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा आर क्यू पी. सो आर क्यू पी दिस वी हैव टू अंडरस्टूड अदरवाइज. तो इसके बाद हम लोग यदि एंगल का यदि हम लोग जाएंगे तो एंगल में इधर में लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, सेकंड में एंगल बी तो इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल पी. आई एम जस्ट रिपीटिंग वी इफ यू नो द 3 कंडीशन इसमें दिया हुआ है आपको पता हो तो आपको नेक्स्ट में पता ये करने का है प्रॉब्लम के लिए कि हम लोग किसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा. सो दैट वे वी कैन आइडेंटिफाई, ऐसा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पे एक निशाना दीजिए 1 ये हो जाएगा डबल डबल एंड दिस ट्रिपल. ओके सो दैट इज आवर RHS राइट एंगल ट्रायंगल. सो डियर स्टूडेंट आज हम लोग कंग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, उसका वेरियस कंडीशन जिसमें यदि सेटिस्फाई हुआ तो कंग्रुएंट ट्रायंगल होगा. चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू.